शब्द प्रमाण मनुष्य का धोखा है, लेकिन वेदों का शब्द प्रमाण, दर्शनों का शब्द प्रमाण बिल्कुल सही होता है। भगवान और भगवान को प्राप्त किए हुए महापुरुष, इनमें चार दोष नहीं होते, इसलिए उनके शब्द का प्रमाण जैसे वेद का प्रमाण है, ऐसे गीता का, ऐसे ही भागवत का, ऐसे ही रामायण का, क्योंकि वो भगवान के ही बराबर हो गए महापुरुष लोग। तो दर्शनों के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं। दर्शन क्या होता है जी? दर्शन माने तो होता है देखने का, आंख। हाँ, आंख से ही होता है, लेकिन आंख बहुत तरह की होती है। एक ज्ञान की आंख होती है, ज्ञान चक्षु कहते हैं। दृश्यते वस्तु याथात्म्यम इति दर्शनम। दर्शन शब्द का अर्थ होता है जिसके द्वारा ठीक ठीक निर्णय हो जाए किसी वस्तु का, उसको दर्शन कहते हैं। तो हमारे यहां दो प्रकार के दर्शन हैं। एक को कहते हैं आस्तिक दर्शन और एक को कहते हैं नास्तिक दर्शन। सारे दर्शन इन्हीं दो के अंतर्गत। तो वैदिक दर्शन अर्थात वेद को अथॉरिटी मानने वाले दर्शन जो है, वेद के अनुकूल बोलने वाले, उनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। और जो वेद के अनुसार नहीं होते उनको अवैदिक कहते हैं। ये दो प्रकार के दर्शन होते हैं, नास्तिक दर्शन कहते हैं उनको। और आस्तिक दर्शनों में भी दो भेद है। कुछ आस्तिक दर्शन ईश्वरवादी हैं, कुछ आस्तिक दर्शन अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते, वैदिक हैं, वेद को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। हमारे यहां मीमांसा दर्शन है, सांख्य दर्शन है, ये कहते हैं भगवान की कोई जरूरत नहीं, कर्म अपने आप फल बन जाता है। तो वैदिक धर्म में भी दो भेद हुआ, ईश्वरवादी वैदिक, अनीश्वरवादी वैदिक। और अनीश्वरवादी वैदिक भी दो प्रकार का होता है, एक ईश्वरवादी अवैदिक। अरे देखो, मोहम्मदन लोग खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वो ईश्वर तो ही है, भगवान ही तो है, वो वेद नहीं मानते। क्रिश्चियन देखो, गॉड को मानते हैं ना, हाँ, वो वेद को नहीं मानते, ईश्वर को मानते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अनीश्वरवादी होते हैं। तमाम दर्शन शास्त्र हमारे जो विदेशों में है, जिसमें परमाणुवादी, प्रकृतिवादी, अनेक प्रकार के बात चल रहे हैं, भगवान की कोई जरूरत नहीं। नेचर, सब कुछ नेचर से हो रहा है, उस नेचर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अनेक प्रकार के नामों से सिद्धांत चल रहे हैं, जैसे संसार कैसे बना, इस बारे में भगवान भगवान से कोई मतलब नहीं। अब ईश्वरवादी वैदिक दर्शन को लो, जिससे हम लोगों का संबंध है, ये भी पांच प्रकार का होता है। पांच इष्ट देव होते हैं वेदों के द्वारा जो सिद्धांत है ईश्वर मानने का। एक तो विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जिनकी उपासना आप लोग करते हैं। नंबर दो शंकर जी। नंबर तीन सूर्य। नंबर चार गणेश जी। नंबर पांच दुर्गा जी, शक्ति। ये पंच देवोपासना होती है हमारे सनातन धर्म में। इसमें भी अनेक अनेक भेद है एक एक में। अब एक विष्णुवादी कोई ले लो, हम लोग विष्णुवादी है, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, द्वैत, अचिंत्य भेदाभेद इत्यादि अनेक प्रकार के सिद्धांत चल रहे हैं और रोज और आगे बन सकते हैं। हमको बड़ी हंसी आती है, तो महापुरुष लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये तमाम प्रकार के वाद बना करके भोले भाले लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन से वाद को सही माने, किसका अवलंब ले। एक ने कहा ये अच्छा है, एक ने कहा ये सृष्टि तो अनादि है। अगर ये वर्तमान सृष्टि कोई ले लो तो लगभग 2 अरब वर्ष की है, ब्रह्मा से शुरू होती है ना। हाँ। और ये संप्रदाय का जो वाद है ये अभी 2500 वर्ष से चला। सबसे पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य हुए, इन्होंने चलाया पहले पहल शंकर मत। ये निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मवादी हैं, तो इनके खिलाफ सगुण सबशेष साकार ब्रह्मवादी तमाम बन गए। ये द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, विशुद्धाद्वैतवादी, अचिंत्य भेदाभेदवादी, ये सब बाद में हुए, 2500 के बाद में। किसी को 1000 वर्ष हुआ, किसी को 1500 वर्ष हुआ। हम एक बात पूछते हैं कि क्यों जी शंकराचार्य, आपने जो संप्रदाय चलाया कि मेरे मत का नाम शंकर मत है, क्यों चलाया? आपके गुरु जी कोई नहीं थे? शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य, उनके गुरु गौड़पादाचार्य, उनके गुरु सुखदेव परमहंस, उनके गुरु वेदव्यास, ये गुरु के गुरु के गुरु ब्रह्मा तक जाना पड़ेगा आपको। और ब्रह्मा के भी गुरु नारायण भगवान श्री कृष्ण, उनके गुरु कोई नहीं। तो श्री कृष्ण की संप्रदाय क्यों नहीं बोलते? और अगर शंकराचार्य की संप्रदाय बोलते हो
तो शंकराचार्य के चेले के चेले के चेले तमाम होते जा रहे हैं, सब चला देंगे अपना अपना नाम। रामानुजाचार्य के गुरु नहीं थे क्या? निम्बारकाचार्य के गुरु नहीं थे क्या? सबके गुरु थे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान के अवतार गौरांग महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी राधा कृष्ण के भक्त। और वो जहां से संप्रदाय चली है माध्वाचार्य, वो लक्ष्मी नारायण के भक्त थे, द्वैतवादी। और वो ब्रह्मा को सबसे बड़ी अथॉरिटी मानते थे, श्री कृष्ण को नहीं, गोपियों को अप्सरा मानते थे। उन्होंने ब्रह्मा को मोह हुआ ये नहीं माना। और उनके शिष्य परंपरा में सब राधा कृष्ण के भक्त हुए। सब उल्टा पलटा। तो जब जीव के अतिरिक्त दो तत्व हैं, मैंने हजार प्रमाणों से आपको बताया है, तो फिर तीसरी संप्रदाय कहां से आ गई, क्यों आ गई, ये बीमारी क्यों पैदा हुई? और अगर हुई तो जितने महापुरुष हुए या आगे होंगे सब अपनी अपनी चला दे संप्रदाय। तो हजारों संप्रदाय क्या, लाखों क्या, अनंत हो जाएंगी। और सब कहेंगे और सब गलत है, हमारा ठीक है। हम सब बेचारे अल्पज्ञ क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे। इसलिए आप लोग इस संप्रदाय के झगड़े में न पड़ेंगे। इसीलिए मैंने एक भी शिष्य नहीं बनाया, हमको जगत गुरु बनाया गया जब काशी विद्वत परिषद ने, तो हमने साफ साफ कह दिया, मैं न तो ये चलाऊंगा संप्रदाय और न चेला वाला बनाऊंगा, मैं तो बस दो संप्रदाय मानता हूं, एक श्री कृष्ण का एक माया का, तीसरा कोई संप्रदाय न था न बनेगा। तीसरा कोई तत्व ही नहीं तो संप्रदाय कैसे बनेगा। अब उसी का श्री कृष्ण के अनंत नाम है, तो हर नाम से बनाते जाओ संप्रदाय। महापुरुषों के अनंत नाम है, अब हर महापुरुष के नाम से संप्रदाय बोलते जाओ, कबीर संप्रदाय, तुलसी संप्रदाय, सूर संप्रदाय, मीरा संप्रदाय। अरे सब महापुरुष ही तो है, कि खाली शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ही महापुरुष है? अरे उसके पहले प्रह्लाद, ध्रुव, अम्बरीश, अनंत महापुरुष सतयुग में हुए, उनका संप्रदाय क्यों नहीं बोलते? तो इस प्रकार ये दर्शन शास्त्र के अनुसार सबसे प्रमुख सिद्धांत दर्शनों में वेदांत का है। और उसी वेदांत में इतने सारे झगड़े प्रकट हो गए। और झगड़ा शंकराचार्य ने प्रारंभ किया। उन्होंने कहा श्री कृष्ण माइक है, माइक सत्वगुणी उनका शरीर है, माइक ब्रह्म का शरीर हो ही नहीं सकता। ब्रह्म तो निर्गुण, निर्विशेष, निराकार ही होता है, ही
ध्यान दो, इसके उल्टा खड़े हो गए माध्वाचार्य, ब्रह्म सगुण साकार ही होता है। लो लड़ाई शुरू हो गई। अरे ही मत कहो भाई, भी कहो, भी बस झगड़ा कर दो। त्रिपाद्यभूत नारायणोपनिषद वेद में कहा गया, सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया, द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे। और अगर आप लोग कहे शंकराचार्य गलत रहे होंगे, ना ना, भगवान शंकर के अवतार है ऐसा सोचना मत, खबरदार। लेकिन उस समय श्री कृष्ण ने कहा था, स्वागमयि कल्पितैः स्त्वञ्चो जनान मद विमुखान कुरु। मुझे प्रकट न करना संसार में, छुपा के रखना। मेरा दूसरा रूप जो है ब्रह्म वाला, निराकार वाला, उसको प्रकट करना। मेरा सगुण साकार रूप प्रकट न करना। ऐसे अपने कल्पित तर्क से लोगों को बहका देना। तो श्री कृष्ण के आदेश को शंकर जी ने पालन किया, क्योंकि श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं शंकर जी। निम्न गायाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु। भागवत कहती है 12, 13, 16। लेकिन ये सब लिखने के बाद शंकर जी ने कहा, मैंने श्री कृष्ण की आज्ञा मान ली, अब अपनी बात लिखूंगा। ये लो बदल गए। और कहते हैं द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते। ब्रह्म के दो रूप होते हैं, आ गए नाम रूप भेदोपाद विशिष्टम तद विपरीतंच सर्वोपाध विवर्जितम। दो रूप होते हैं, मूर्तं चैवा मूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। तो शंकराचार्य ने कहा, दोनों रूप है। वेदांत में जब भाष्य करने लगे तो वहां भी बदलते गए। पहले उनको भी एक सोचना पड़ा कि भगवान में, ब्रह्म में शक्तियां हैं, ये हम कैसे मानेंगे। अगर ये मान लेंगे तो फिर वो भगवान श्री कृष्ण का आदेश गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने भाष्य में लिखा कि कोई शक्ति नहीं होती ब्रह्म की, वो निःशक्तिक है। अब जब मंत्र आया वेद का, परास शक्तिर विविधैव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, 6-8 श्वेताश्चतुरोपनिषद, इतना 9 उपनिषदों में जिसका नाम है। इस उपनिषद ने भाष्य लिखा सबसे पहले। शंकराचार्य ने कहा, अब क्या करूं, अब कहां जाऊं भाग के। श्री कृष्ण ने तो कह दिया ऐसा आदेश का पालन करो, ये तो साफ साफ कह रहा है वेद मंत्र। स्वाभाविक शक्तियां हैं ब्रह्म में, स्वाभाविकी, स्वाभाविक माने नेचुरल। जैसे आग में जलाने का धर्म स्वाभाविक है,
तो उन्होंने अर्थ किया स्वाभाविकी माने कल्पित। और सुनो दुनिया में कौन सा कोश है जिसमें स्वाभाविक का अर्थ कल्पित लिखा है? अरे स्वाभाविक का तो गधा भी जानता है, नेचर या स्वभाव या कुदरती जो भी शब्द जिस भाषा में है उसका मतलब है जो सदा वैसा ही रहे। दूसरा मजाक सुनिए महापुरुषों का।